स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आप ये क्या कर रहे हो दवा के साथ? विश्वास करके तुम, विश्वास कर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, हेमंत भाई की खुशी के लिए कर रही हूँ, या फिर यूँ समझ लो कि मैं उनका इलाज कर रही हूँ। माँ, दवा छुपाकर ये कैसा इलाज हुआ? अरे पापा, डॉक्टर जब मरीज का ऑपरेशन करता है तो उसके बदन को काटता है। मरीज को दर्द होता है, फिर भी वो सहता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका इलाज हो रहा है और मैं भी इलाज ही कर रही हूँ। तू बस चुपचाप देखता रहे। मैं हेमंत भाई को दवा जरूर दूंगी, लेकिन कुछ देर के बाद। उन्हें दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं क्या करूं केतन, प्रकृति का यही नियम है। अगर आपको सुख चाहिए तो थोड़ा दुख तो झेलना ही होगा ना। तू एक काम कर, कुछ ही देर में आप नीला पारेख से मेहता खानदान की बहू बनने जा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी इन्विटेशन पे आप लोग आज यहाँ आए, थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, आपके सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। नमस्ते। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बहू। अरे, रिफ्रेशमेंट सर्व हो चुकी है, जाइए ना, जाइए प्लीज। सिकंदर चाचा, आप भी जाइए। बताए नीला, आज बहुत ही खुशी का दिन है। ऑफ कोर्स, आपकी बेटी की शादी जो है। हाँ, वो तो है ही, मगर उससे भी बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरे देव पुरुष ने बरसों से देखा हुआ सपना पूरा होने जा रहा है, और मैं भी मेरे देव पुरुष को दिए हुए वचन से मुक्त हो जाऊंगी। बाबू, हेमंत काका को फिर। अरे क्या हुआ बाबा को? आज तूने पहली बार ढंग का काम किया है, चल। बहुत तकलीफ हो रही है, हुआ क्या है आपको बाबा, बोलिए ना। सर्दी लग गई, सीना जकड़ा ना तो उसी से। अरे सरदर्द भी है उसी वजह से, थोड़ा से। थोड़ा सा? इसे आप थोड़ा सा कहते? देखिए आपकी हालत, किसी ने डॉक्टर को बुलाया है क्या? पानी पीजिए आप। हाँ हाँ, बुलाया है नीला बेटी, तुझे क्या लगा? तेरे कहने का इंतजार करते रहते हम। पानी पीजिए। दया, मैंने कहा था ना तुझसे, ये मेरी बीमारी देख के ये सब भूल जाती है। नहीं हेमंत भाई, बच्चों की बात का बुरा क्या मानना, और ये तो मेरी बेटी है। बाबा, मैंने डिसाइड कर लिया, हम ये शादी कैंसिल कर देते। नहीं नहीं नहीं, चुप रहिए, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। नहीं, अपनी हालत देखिए आप, पहले आपका इलाज होगा फिर होगी मेरी शादी, बस। शादी? डॉक्टर अब तक आया? केतन प्लीज, डॉक्टर को फोन करो प्लीज। शांत शांत, आप शांत हो जाइए पहले। बेटा मेरी बात सुन। बेटा, मैंने बरसों पहले एक सपना देखा था कि तेरी शादी हो, तू दुल्हन बन के इस घर में आ है। बेटा कितनी हालत पापा, ये बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना, आप आराम कर लो। अरे पूरी बात तो सुन, ये सपना इसने पूरा किया, दया ने। आज तुझे दुल्हन के रूप में देखा, पता है तो कितनी सुंदर लग रही। बस तेरी शादी हो जाए, फिर आराम से मर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, मरने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? आइंदा ऐसी बातें की ना तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी। देखा देखा दया, मैंने कहा था नहीं मर रहा बेटा। फिर से मरने की बात कर रहे हैं आप? तू शादी नहीं करेगी तब मैं जरूर मर जाऊंगा। ये मरने की बातें मत कीजिए बाबा प्लीज। और ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? मैं ही फोन करता। बेटा सुन, बाबा आराम से बाद में बात कर। तू समझ क्यों नहीं रही, तेरी शादी मेरे लिए ऑक्सीजन है,
उसी ने इतने दिन मौत से दूर रखा। बेटा बेटा तू शादी मना मत करना बेटा, वरना तू समझ नहीं रही। तू समझ हेमंत भाई, धीरज रखिए, जैसा आप चाहते हैं ना वैसा ही होगा। नीला बेटी बोल दे अपने बाबा को। हेमंत भाई, आज मुझे आपको दिया हुआ वचन तोड़ना पड़ेगा। नहीं, कैसा वचन? नीला को सच बताना होगा हेमंत भाई। कौन सा सच? नहीं हेमंत भाई, आज मुझे मत रोकिए। क्या छुपा रहे हैं आप बाबा? क्या, कौन सा सच? बोलिए कौन सा सच? बोलिए ना कौन सा सच? हाँ देखिए, डॉक्टर साहब आ गए। नीला, डॉक्टर साहब को बैठने दो। उठो उठो, डॉक्टर साहब बैठिए। तो चल मेरे साथ। हाँ, डॉक्टर साहब आए हैं ना, वो देख लेंगे। और केतन भी तो है, तू सच जानना चाहती है ना, तो चल मेरे साथ, चल चल। डॉक्टर सुन, शादी तक बचा ले। कुछ नहीं हुआ हेमंत भाई, बचा ले। क्या हुआ है मेरे बाबा को, बोलिए ना क्या हुआ है? तुझे हमेशा लगता है कि मैं चाले चलती हूँ, लोगों को इस्तेमाल करती हूँ, उनकी जिंदगियां बर्बाद करती हूँ। आशीष का ये नाजायज रिश्ता भी मैंने जानबूझकर तुम सबसे छुपा कर रखा। हाँ, ये सब मैंने किया है और आगे भी करूंगी। फिर तू चाहे मुझे चुड़ैल समझ, डायन समझ, जो तेरे दिल में आए समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे देव पुरुष के प्रति मेरी निष्ठा अटूट है, वो कभी बदल नहीं सकती। एक बार चांद पे दाग आ सकता है, लेकिन उनके प्रति मेरी निष्ठा कभी कम नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ भी किया मेरे देव पुरुष के लिए किया, उनकी इच्छा के अनुसार किया, उनका सपना पूरा करने के लिए किया, क्योंकि मेरे देव पुरुष का शरीर दिन ब दिन मरता जा रहा है। तुम लाख रुकावटें पैदा करो नीला, लेकिन ये शादी होकर रहेगी, क्योंकि मैं मेरे देव पुरुष की अंतिम इच्छा पूरी किए बगैर नहीं रहूंगी। अंतिम इच्छा मतलब क्या हुआ है बाबा को, बोलिए ना क्या हुआ है? मेरे देव पुरुष को कैंसर हुआ है। ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अब फैसला तुम्हें करना है नीला, कि तुम अपने बाबा की अंतिम इच्छा पूरी करोगी या नहीं। दयावंती जी, डॉक्टर साहब
कैसे है हेमंत भाई? मेरी राय में हेमंत भाई को जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, पर उन्होंने एक ही रट लगा रखी है कि मुझे अपनी बेटी नीला की शादी देखनी है। वो सच में नीला की शादी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब आप कहते हैं तो हम ये शादी कैंसिल कर देते हैं। देखिए हेमंत भाई इस बात को मानेंगे नहीं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इस वक्त उनके लिए सबसे जरूरी चीज नीला की शादी है। आप एक काम कीजिए, फेरे शुरू होने के समय ही हेमंत भाई को लाइए, और याद रखें किसी भी तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन उनके लिए ठीक नहीं है। इमरजेंसी के लिए मैं अपना एक असिस्टेंट भेज देता हूँ। इमरजेंसी? क्या कह रहे हैं आप? दयावंती जी, आपको तो हेमंत भाई की बीमारी के बारे में सब कुछ पता है जी। मैं उनको कब से सजेस्ट कर रहा हूँ कि कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, पर वो हर बार मुझे टालते रहे, बस यही कहते रहे डॉक्टर कुमार ट्रीटमेंट तो मैं कराऊंगा पर पहले नीला की शादी। सही कह रहे हैं आप, ऐसे हालात में तो उन्हें खुश करने के लिए जो भी हमें करना है करना ही पड़ेगा। सही कहा आपने। मैं बाबा से मिल सकती हूँ? ओके, अंदर जाओ, पर वो अभी सो रहे हैं, उन्हें जगाइएगा मत। ठीक। अलादीन अब तक नहीं आए। आएंगे। आप लोग प्लीज सब अंदर आ जाइए, अनाउंसमेंट होने वाली है। अवनी चल, तेरी फिल्म का फाइनल सीन शूट करने का टाइम आ गया। यहां पर डिसाइड कर लिया, मैं ये शादी तोड़ दूंगी। लीला जी अब क्या अनाउंसमेंट करने वाली है? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हर लड़की के लिए ये दिन एक सपने की तरह होता है, पर मेरे लिए ये बस ये शादी का दिन नहीं है, क्योंकि आज वो दिन है जब मैं अपने बाबा की इच्छा पूरी करूंगी। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आशीष मेहता जैसे पति मिल रहे हैं। दयावंती मेहता जैसी सास मिल रही है, एक ऐसा परिवार मिल रहा है जिसकी तमन्ना मैंने बचपन से की थी।
आप सब लोग आज यहाँ आए मेरी खुशी में शामिल होने के लिए, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और अगर मेरी किसी हरकत से किसी को चोट पहुंची है, किसी के दिल को ठेस पहुंची है, तो मुझे माफ कर देना। पलट गई, जबान देखे पलट गई। जी मां, ये दवा मेरे दैव पुरुष को दे दे, बहुत तरसाया उन्होंने, अब एक सेकंड भी देर करना पाप है। तेरी दिखाई राह पर चलकर मैंने अपना लक्ष्य पा लिया। पुष्पी यजमान जी, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए, आप भी हाथ लगा लीजिए। चले? नहीं, तुम सीन शूट करो। क्या? मेरी फिल्म की एंडिंग अलग होगी, लेकिन कहानी पूरी दिखानी चाहिए।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।